हो गया है जब से सूर्य की भी वो हुई है ना, नीच में गया है ऊंचा से, अभी अभी ठीक नहीं है सर। फिर क्या हुआ? सूर्य नीचे में चला गया तो क्या हो गया? कुछ नहीं होता। सर थोड़े बहुत कुछ हो गए, घर में ही बैठे हुए हैं, सर्दी है सुनीता मैम, तो। अपने बर्तन तोड़ना बंद कीजिए। जिसको जो पूछना है वो पूछ लीजिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अपने सर वो क्या, अपने अपने बर्तन मत तोड़ो। जिसको जो प्रॉब्लम है वो मेरे से पूछे, मैं बताऊंगा। हाँ जी अरे सर बोलिए। सॉरी सर, मोस्ट सर आपने, सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था लास्ट टाइम ना, आपने कहा था वो कुछ मैरिज का देख के बताओगे प्रश्न कुंडली से, बट फिर वो आपका रिप्लाई आया नहीं। कुछ दिन सर थोड़ा बिजी मतलब निकल गए, बात नहीं हो पाई। आज मान के चलो, जब जब उस दिन आपकी संडे से बात हुई है तो हाँ जी काफ़ी देर से शेड्यूल इतना बिजी रहा, क्लासेज के रिगार्डिंग काफ़ी बिजी था। तो बस एक दो दिन में मेरे बैच ख़त्म होने वाले हैं। दीपावली के एक कल से एक दो बैच बंद हो जाएंगे, फिर दीपावली के बाद बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। उससे पहले अभी मैंने सभी को पोस्टपोन करके रखा हुआ है, क्योंकि नया बैच मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा। हाँ, उसकी वजह से अभी 2-3 दिन की बात है, तो नया बैच स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ठीक है बोलिए, सर। अभी क्या प्रॉब्लम है? सर एक सेकंड, मैं अभी 2 मिनट तक सर पूछती हूँ, डोरबेल बजी है शायद कोई आया है। ओके। और किसी का ज्योतिष और वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो। किसी का कोई भी वास्तु और ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, अपने घर के रिलेटेड, अपने बच्चों के रिलेटेड, अपनी लाइफ को लेकर किसी भी तरह का पूछ सकते हो। अगर किसी का, मैं दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। हाँ जी रश्मि मैडम, आप पूछना चाहते हो कुछ? मैडम आपकी आवाज़ म्यूट है, आप अपने आप को अनम्यूट करो। जी सर आ रही है सर हाँ आवाज़? जी, हाँ जी, आप कहाँ से? सर ग्वालियर से हूँ, ग्वालियर एमपी से। ओके ओके। ग्वालियर तो बहुत जी बढ़िया सर शहर है। जी सर, वहाँ पर तो जितने हिस्टोरिक। जहाँ पर इतने डिग्री वकीलों को मिलती है, वहाँ पर कहीं किसी को मिलती नहीं। जी सर ग्वालियर अच्छी जगह है सर। अभी वो आए थे ना अमित शाह जी आए थे परसों। जी ये सर तो नहीं पता मैं शादी आया कि नहीं, पर मैं तो ग्वालियर 2 बार घूमा हूँ। अच्छा सर, हिस्टोरिकल वो है सर, यहाँ का किला है, जयविलास पैलेस है, सिंधिया जी। अच्छा देखने लायक जगह है सर ग्वालियर, कभी आइए आप, बहुत अच्छी देखा जगह देखा है मैडम, वहाँ पर एक गांव तमा है, यहाँ पर वकीलों की डिग्री बहुत होती है। मैं आया हूँ है। जी सर हम वकील मैं तो सर के। यहीं की बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं की हूँ सर, यहीं रिटर्न यहीं हुआ। जी सर बोलिए बोलिए, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ? जी सर, मेरा बेटा है सर, उसका 5 फरवरी 1996, 96 का जन्म है सर, पांच अभी फरवरी जी अभी सर। प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। सर उसको वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है सर, तो कब तक उसका हो जाएगा? उसने बीटेक किया हुआ है सर, अभी पढ़ने में अच्छा है सर। अभी आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या है वेस्ट साउथ वेस्ट या सर टॉयलेट है आपको? सर? जी सर टॉयलेट उसको सेटअप करो, आप क्या करें सर? उसको ब्लू सॉरी वाइट टेप के साथ उसको 3 जगह से ब्लॉक कर दो। वो ठीक हो जाएगा, आपका बेटा बढ़ने में होशियार हो जाएगा, और भी जो 1-2 नंबर से पीछे रह रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। नहीं अभी उसने दिया नहीं है सर, तैयारी कर रहा है सर, बीटेक किया है चेन्नई से, वो एक बार भी दिया नहीं है सर, प्रिपरेशन कर रहा है वो, अभी उसकी तैयारी नहीं थी लास्ट ईयर तो उसने दिया नहीं, अब देगा सर। अपने वेस्ट साउथ वेस्ट की टॉयलेट का आप ट्रीट करो, नहीं समझ जी सर आएगी आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं देख लेता हूँ। अच्छा सर, कोई टेंशन नहीं मैडम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपकी क्लास। हाँ नहीं उसकी कोई बात नहीं है सर। हाँ वो टेंशन ना लो। वेस्ट साउथ वेस्ट की टॉयलेट को आप ट्रीट कर लो, 3 जगह से ब्लॉक कर लो, लोहे की तार से कर लो, वाइट पेंट से कर लो, वाइट टेप से कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे वो कर लो। अच्छा सर हमारे डुप्लेक्स है, मेरा डबल स्टोरी नीचे भी उसी उसमें है और ऊपर भी सेम है।
नीचे का टॉयलेट भी वही है ऊपर का भी, दोनों आपकी किचन, क्या आपकी किचन नीचे है या ऊपर है? किचन सर नीचे है आप वो नीचे तो सही। आप नीचे वालों को ट्रीट करो, ऊपर वालों को नहीं करोगे? अच्छा नीचे किचन है सर, आपके ईस्ट चेंबर। आपके हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। क्या कह रहे हो सर? नहीं सर वो कुछ नहीं कह रहे, वो बात कर रहे हैं दूसरे फोन ओके, पे। मेरे को लग रहा कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं सर। ओके, और कुछ बताइए, कुछ सेवा? और सब तो बस बेटे के बारे में ही पूछना है सर, वो भी दिल्ली रह रहा है, कैसा क्या रहेगा उसका फ्यूचर नहीं, मतलब। अभी ऐसे करो, आप सभी लोग को जिसको कुंडली का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, जी आप सर एस्ट्रो सेज पर जाओ, जी लिख लो। सर आप सभी को बोल रहा हूँ लिख लो, आप एस्ट्रो सेज पर जाओ, अपनी कुंडली बनाओ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखो, और आप मेरे कुंडली तो को है सर जी। अच्छा आपको भेजना है जी सर अभी लिखो, तो सुन लो मेरी बात। वहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भरो, 9883, 9883, जी सर 54171 पर आप कुंडली को भेज दो। मैं चेक कर जी कर सर आपको बता दूंगा जो जी सर आपका क्वेश्चन होगा, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, कुंडली को जी आप सर PDF फाइल बनाएं और मेरे को व्हाट्सएप कर दें, जी सर बिल्कुल। ठीक है? थैंक यू। और किसी थैंक यू का सर, थैंक भी यू। क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो हैंड रेज करे, तो मैं प्लीज़ बता देता हूँ। हाँ जी, समेट सर बोलिए। हाँ जी सर, मैं एक एक वॉल्यूम ए इशू अभी आ रहा एक था। मिनट, एक मिनट मैम, एक मिनट। हाँ जी सर बोलिए, और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ बोलिए, सर बोलूँ? अभी वेट करिए मैम, वेट करिए, वेट करिए, आपके टर्न आ जाएगी तो मैं आपको बोलूँगा। और किसी का प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिसका कोई क्वेश्चन हो चुका है ना, अपने आप को म्यूट कर लिया करो, मेरे को कहने का मौका मत दीजिए। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बोलिए। हाँ यस सर। जी मैम बोलिए। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे हमने साउथ ईस्ट में किचन बनती है तो सर उसका जो एक साइड फायर और एक साइड सिंक बनेगी, तो वो फायर जो चूल्हा वो किस ईस्ट वाली मतलब कि दीवार के साथ आएगा, और सिंक जो है वो। आप अकेले जोन को पकड़ो, आप साउथ ईस्ट में अपना वो ले जाओ, क्या नाम था, चूल्हा, जी और जो अपना सिंक है वो ईस्ट साउथ ईस्ट में ले जाओ। ठीक है सर, हाँ, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ठीक सर। है? ओके। और किसी का कोई डाउट क्लियर करना हो तो प्लीज़ बोलिए। हाँ जी नीरू मैम, आपको कोई डाउट क्लियर करना है किसी भी तरह जी का? सर, हाँ जी बोलिए बोलिए। जी सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे कई घरों में मैंने देखा कि लड़कियों का बोन ज्यादा होता है, लाइक मेरी फैमिली में है वो, जैसे बेटे की इच्छा रखते हैं, तो उनका कौन सा एरिया डिफेक्ट हो सकता N4। है? N4। N4 में क्या है? N4 ऐसे तो मेरे को पता नहीं है, वैसे उनकी घर की जो एंट्री है वो सुनीता, ENT में ही है। सुनीता, सुनीता चौराहे। मैडम आपको अभी तक मेरा नंबर नहीं पता लगा, मेरा नंबर कौन सा है? आप कौन सी दुनिया में रहते हो? सभी को मैं बता रहा हूँ, नंबर मेरा नोट कर लो, 9883 54171, यहाँ पर मैसेज करो। सुनीता चौराहे, आप ऐसा मत करो, आप पुराने स्टूडेंट हो, इतने पढ़े लिखे हो, आप ऐसा मत करो। हाँ जी, हाँ नीरू मैम बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ जी, उनके घर की जो एंट्री है वो ENT में है। तो फिर क्या हुआ, ये नहीं तो बच्चा पैदा कर दे की क्षमता तो दे रहा है ना मैडम उनको? हाँ जी, बच्चे तो हैं उनके घर में, ऑल गर्ल्स हुई, हाँ हाँ तो अब हो रही जैसे है। बेटे के बारे आपने में क्या सोच करना रही। है, N4 में जाकर उसको ड्रिल से अपना कर दो N4 को, ओके सर, और उस देवता का फूट दे दो, बस बात खत्म। N4 में, हाँ तो N4 में। बेटा ही पैदा होगा,
ये कोई बाबा बाबा रामदेव की जड़ी बूटी थोड़ी ना खिलानी हमको उनको। हाँ जी हाँ जी सर, हाँ ऐसा नहीं कुछ करना आपने। अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिल रही आपको, N3 को देख लो बस। ओके सर, बाकी आप स्टूडेंट हो, ओके जब सर, मर्जी मेरे को मैसेज करो, आपका रिप्लाई तो होगा, ऐसा नहीं है आपका रिप्लाई नहीं होगा। जी सर, थैंक ओके यू सर। ओके, और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ बोलिए। हाँ जी सुमित मैडम, आप बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मुझे वो उस दिन बीच में रह गया था, मुझे मैरिज के रिगार्डिंग पूछना था कि जो सेकंड मैरिज है वो अरेंज मैरिज होगी कि मतलब जान पहचान के बाद होगी। जैसे आप मेरे को व्हाट्सएप किया कुंडली अभी? सर मैंने उस दिन की थी, अगर आप कहें मैं दोबारा भेज दूंगी। अभी भेज दो, अभी चेक कर लेते हैं। वो अच्छा जी सर, संडे को पता क्या होता है, संडे को मेरी सिखाने की श्रृंखला होती है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकता, और ट्यूसडे को मैं बताता हूँ, और थर्सडे को बुलाता हूँ, बताता हूँ, जब मर्जी पूछिए। हाँ सर कोई बात नहीं, जब आपको ठीक लगे कोई ऐसी बात नहीं, मैं व्हाट्सएप करती हूँ। ठीक है। सर और मैं एक उसके अलावा एक और क्वेश्चन था सर, ऐसा था कि मैं पिछले ना 2 साल से जैसे यही न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वास्तु ये सब में हूँ, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा मेरे को कुछ काम नहीं मिल पा रहा। और इससे पहले यानी कि कोविड से पहले मैं ट्रैवल लाइन में थी, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, ट्रैवल एजेंसी में जॉब करती थी। तो अभी इस टाइम ऐसा है कि अगर मैं इस पे कंसंट्रेट करूँ तो मुझे उसमें आउटकम कुछ खास नहीं मिल पा रहा। अगर मैं ट्रैवल में ढूंढती हूँ तो अभी तक के टाइम पीरियड पे ना वो मतलब ट्रैवल एंड टूरिज्म की जॉब मुझे ज़्यादा फनी नहीं थी, मतलब बहुत ही हार्डशिप वाला समय मैंने निकाला था। अभी तो अभी मैं आपका लगन वही कौन सा है ये बताओ? मेरा लगन सिंह लगन है। हाँ बाल झड़ते हैं आपके? जी सर, बहुत झड़ते हैं 30-65। अभी सिंह लगन में 12th हाउस राशि कहाँ पर आ रही है? तो सर अष्टम में आ रही है मेरी। अभी तभी आप कल्ट नॉलेज को सीखने के लिए चले गए, सही बात है ना? वो तो अभी आपको का भी टाइम ऐसा था ना जॉब। मैडम कोविड कोविड का टाइम तो निकल चुका ना, कोविड का टाइम तो समय निकाल कर निकल चुका। मेरे कुंडली व्हाट्सएप करो, मैं चेक करता हूँ, आप पर्सनल डिस्कशन भी कर लोगे, कोई इशू नहीं है मेरे को आपको। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, आप उसकी फिक्र नहीं करो, मैं वैसे आपसे एक जरूर मशवरा लूंगी। कोई बात, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। और किसी का ज्योतिष और वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। सर एक मेरा क्वेश्चन है हाँ जी मैम बोलिए। सर, मैं रूमी चौरसिया, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर एक पूछना ये था सर कि हमारे जो W3 और W4 जो बोलते हैं सर कि आपको जो चाहत हो वो W3 या W4 में अपनी करें, तो वो हमारा एंट्रेंस मेरा रूम ही वो कटा हुआ है सर, सीढ़ी है, इसलिए हमारे फैमिली वाले लोग उसको अपने अंडर में कर लिए हैं। तो सर एक उसके एक एक बैक में एक एक मिनट एक मिनट। सुनीता चौरे मैडम सर, आप कहाँ पर हो? सुनीता मैम, सुनीता जी रॉय, अभी तक आपको कुंडली नहीं बनानी आई? बना के वो कंप्यूटराइज्ड है, मैंने कैसे बनाने सिखाई थी आपको? एस्ट्रो सेज का PDF भेज दूंगा सर पूरा। अभी भेजा मेरे को आपने? भेजा मेरे को? कमाल पहले भेजा था सर। ही हो गया, कमाल ही हो गया। आप ऐसा क्यों करते हो? आप फ्री रहते हो सारा दिन? अगर आप फ्री रहते हो तो सारा दिन ऐसे किया करो। आपको 10-15-20 बैचेस दे देता हूँ, आप लोगों को सिखाइए। रूमी मैडम म्यूट करिए अपने आप को। मैंने कुंडली ऐसे बनाने सिखाई आपको, इस स्टेप से एक एक पेज से सब कुछ पता लग जाएगा। सर अब वो एस्ट्रोसेज वाला भेज रही।
नहीं ऐसे हो जाएगा आपका काम। नहीं वो खाली लगन देगा। अब क्या बताऊंगा आपको, बताओ क्या पूछना, क्या आप ऐसा मत किया करो, मत किया करो। ठीक है सॉरी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सॉरी हाँ जी डूमी मैडम बोलिए। सर तो वो हमारा W3 W4 कटा हुआ है, तो अपने कुछ भी विशेष हो तो उसको सर उसके पीछे वाले स्पेस में हम लिख सकते हैं? दिखाइए क्या दिखाना चाहते हैं मेरे को, दिखाइए आप। सर दिखाने के लिए तो सर देखिए एक मिनट सर, अपना फेस दिखाइए पहले। यस सर, ये सर हमारा जो बैक एरिया है ना सर, बस ये हमारे अंडर में आता है। इसके पीछे हमारा वॉल है वो W3 W4 में आता है सर। ओके तो सर हम अपनी विशेष को यहाँ पर लिख सकते सर, ये एरिया W3 W4 में आता है। अपने विशेष को अपने इसको क्या बोलते हैं शोल्डर के नीचे लिखिए तब पूरी होंगी। शोल्डर के नीचे लिखनी है। हाँ W4 में लिखनी है। W4 में। और सर एक सवाल और था सर, सर फाइनेंशियली इशू हमारे साथ इतना हो गया है सर कि हमारी अपने हमें अपनी प्रॉपर्टी सर बैंक में मॉर्गेज करनी पड़ रही है, तो सर कोई क्यों ऐसा क्यों कर क्यों करनी पड़ रही है? आपकी नॉर्थ वेस्ट में किचन है? नहीं सर नॉर्थ वेस्ट में तो मेरा किचन नहीं है सर। फिर क्या है, फिर क्यों करनी पड़ रही है? मार्केट में हमारा कर्ज बहुत हो गया है सर, लोन बहुत है सर। साउथ ईस्ट में क्या है? बस वही तो सर टॉयलेट है जो कि हम बंद करके रखे हुए हैं सर, क्या कर सकते हैं? आपने मेरे को कभी कॉल किया? सर मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई हूँ सर कि मुझे अभी जब ज्वाइन किए सर आपका जब मैसेज देखा मैंने मोबाइल खोला तो सोचा मैं सर से आज बात करती हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ सर। आपने मेरे को कभी कॉल किया? नहीं सर। आपने दुनिया भर की बातें कॉपी पर नोट की 6 महीने से, कभी आपने अपना पूछा? नहीं सर। वाय ये तो मेरा बहुत खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले बंदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब तलक आप खुद अपने आप को सेट नहीं करोगे तो क्या है लोगों का भला नहीं होगा। सही बात है सर। आप इतने देर से जुड़े हो, एक नोट्स बना बना कर रखे जा रहे हो, 4 महीने 6 महीने से जुड़े हो, तो कभी मैंने आपको कभी जवाब देने में कोई दिक्कत की है? अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। नहीं सर। तो फिर आपने अपना इलाज क्यों नहीं किया सर? अब मैं मेरे मतलब सर अब घुटन यहाँ तक आ चुका है सर, मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, मुझे समझ में इतनी नहीं आ इतनी मैंने लाइफ बनाई है, उसको आप सुन लोगे ना तब भी आपको रिलीफ मिल जाती, ये मेरे को पता है। तो फिर आपने कभी सुने नहीं, कभी कोशिश ही नहीं की होगी? नहीं सर बहुत सारी मैंने सुनी भी नहीं है, हमारा बहुत सा क्लास मैं तो ज्वाइन ही नहीं कर पा रही हूँ सर, बहुत सा क्लास मैं तो खुद ही बता रही हूँ। एर्थ हाउस की पीड़ा ऐसे नहीं खत्म होती। सुमेधा मैडम बताइए एर्थ हाउस की पीड़ा कैसे खत्म होती है? ठीक है ना, तो सुमेधा मैडम आप भी पूरी कुंडली बनाइए। हाँ जी सर। हाँ जी पीडीएफ फाइल पूरी बनाइए। अच्छा जो आपको भेजनी है वो? हाँ मैं पूरी पीडीएफ फाइल KPSology पर काम करूँगा, उसके बाद काम है एक्यूरेट वहाँ पर बनेगा। तो रूमी मैडम मेरा आप मेरे को सुबह कॉल करें, नहीं तो व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको हल बता दूँगा। ओके सर, कोई इशू नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ये पता है ना, आपने मेरे साथ एक दो बार जितनी बार 4 महीने 6 महीने से जुड़े हो, पैसा तो मेरी किस्मत से आ ही जाएगा, मेरे बच्चों की किस्मत से मेरे पास पैसा तो आ ही जाएगा। यस सर, टेंशन ना लो, काम हो गया। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ कोई बात, और बताइए किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अगर आपका वास्तु और ज्योतिष संबंधी को सीखना भी चाहता है तो मैं सिखाता हूँ, जिसके पास पैसे नहीं भी हैं उन्हें भी सिखाता हूँ, ताकि आप अपना भला भी करें दूसरों का भला भी करो। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बोलिए, नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे ग्रुप पे। तो सर प्रणाम। प्रणाम 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 सर, मैं सुभश्री बोल रही हूँ। बोले बोले सुभश्री साहू।
बोलिए बोलिए बोलिए। मैं जो एक मैं इंश्योरेंस में एडवाइजर हूँ, लेकिन मेरा कुछ हो नहीं रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं हो रहा है। आप कहाँ से? ओडिशा से। ओडिशा से। आप पहली बार आए हो? नहीं नहीं 4 बार। ओके, तो नॉर्थ में आपने सेटअप किया नहीं? आज आपका सवाल पहली बार था, आपका सवाल पहली बार था। जी जी पहली बार। नॉर्थ में क्या है आपके? रूम वाइज या घर के वाइज? आप जो बता रहे हैं समाधान, रूम के वाइज हम लगा सकते हैं या पूरा प्लेस, पूरा घर, पूरा पूरे घर को, पूरे घर को कंसिडर करोगे? अकेले उसको नहीं कंसिडर करोगे, आप कमरे को नहीं करोगे, अपनी बाउंड्री तो बाउंड्री वॉल से लेकर आप नॉर्थ उसको कंसीडर करोगे? ये तो हमारा जॉइंट फैमिली है। तो फिर क्या हुआ? एल साइज में घर है। फिर क्या हुआ? एल साइज में घर है। तो हम वेस्ट, हम साउथ के साइड ही रहते हैं। तो बढ़िया बात है, साउथ की साइड वाला आदमी बंदा बढ़िया है, साउथ की साइड वाला बंदा बढ़िया है। साइज में जो लास्ट में कॉर्नर, अभी नॉर्थ, अभी नॉर्थ, अभी नॉर्थ का क्या प्रॉब्लम है मेरे को ये बताओ। पूरे घर में नॉर्थ के ऊपर तो एक ये पूरी नॉर्थ में रहते हैं सब। फिर क्या हो? सीढ़ी के ऊपर एक टंकी है, वाटर टंकी है ऊपर, बस इतना ही। आप छेद कर सकते हो नॉर्थ में? जी? नॉर्थ में एक छेद कर सकते हो? तोड़ फोड़ वाला क्या? तोड़ फोड़ नहीं करना, एक 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 ड्रिल लेना है नॉर्थ में, एक छोटी सी मोरी निकालनी है, ड्रिल करना है दीवार के आसपास। आपका किस घर का फेसिंग है जी? आपके घर की फेसिंग क्या है? फेसिंग एल, ऐसे होकर ऐसे। व्हाट्सएप, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो? जी 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 करिए, अभी देखते हैं। अच्छा ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। सुमेधा मैडम आप पूरी कुंडली भेजें भेजें। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। गौरव मैडम आप अपने आप को म्यूट करो। जी जी जी। और किसी का ज्योतिष और वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लास को यहीं पर बंद कर दिया जाए। क्लास को यहीं पर बंद कर दिया जाए। ऑस्ट्रेलियन एमरोलॉजी गमदूत सर जी, जे आर बेंगलोर, प्रतिभा मैम, प्रेमराज, मैं दोबारा दोबारा आवाज़ नहीं दूंगा। जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज़ बोलिए। सर एक चीज पूछनी थी मुझे। हाँ जी विनु मैम बोलिए। जैसे हमारी कॉलोनी में ना मैंने हमने नोट किया है कि घर में ना इसी हमारी गली में सारी की सारी लड़कियां, वो कोई भी रीजन हो, चाहे डिवोर्स है, चाहे मतलब फैमिली के साथ हस्बैंड के साथ रह रही हैं या अकेली आके रह रही हैं, मतलब हर लड़की हमारे घर की ना, मतलब हमारी कॉलोनी की, मतलब घर में आके बैठी है मायके में, तो रीजन इसका क्या हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम सभी का होगा। नॉर्थ ईस्ट में चेक करो। ठीक है सर, मतलब मैंने देखा सारी कॉलोनी की सब लड़कियां मायके आके बैठी हैं। नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में उनके खिलौने पड़े हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में उनकी पिक्चर पड़ी हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट में उनके कपड़े पड़े हो सकते हैं, ये कारण है। और कोई कारण नहीं होता,
लड़की का मायके आने का। ओके नॉर्थ ईस्ट फॉरेन में जो लोग बैठे हैं उसको बुलाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, जो फॉरेन से वापस नहीं आ रहा उसकी आपने बुक्स वगैरह उनकी पिक्चर वगैरह वहाँ पर रख दो, वो वापस आ जाएगा। वो बाहर कहेगा मेरा मन नहीं लगता, ये आपको बोलेगा। जो जेल में चला गया है उसको घर बुलाने का तरीका भी यही है। डैड सा 12th हाउस को आप जेल यात्रा, विदेशी यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा को सेम कंसिडर करोगे। अगर आपका कोई मरीज हॉस्पिटल में पड़ा है तब भी आप उसकी पिक्चर नॉर्थ ईस्ट में लगाओ तो वो वापस आ जाएगा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट उसको खींच लेगा वापस। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बोल सकते हो। हेलो सर। सॉरी, हाँ जी बोलिए स्मार्ट सर, बोलिए आप कहाँ से सर? हाँ मैं पूछ रहा था सर कि ये बच्चे सर, लोग ना पढ़ाई नहीं करते, मोबाइल पे ज़्यादा खेलते, उसके लिए क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप कहाँ से सर, फर्स्ट टाइम जुड़े हो? नहीं नहीं पिछले लास्ट वीक भी ज्वाइन हुआ था, मैं भुसावल महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। हाँ बच्चे मोबाइल लोग ज़्यादा देखते हैं? हाँ ज़्यादा खेलते हैं। आपके जो मोबाइल के डिब्बे पड़े हैं, जो आपके जो मोबाइल का नंबर है, नंबर समझते हो, जैसे अपना मोबाइल नंबर नहीं, मोबाइल के डिब्बे पर नंबर लिखा होता है ना, पहले जब छोटे होते नोकिया 3310 होता था, 3310 होता था, 6800 होता था, उस मोबाइल का डिब्बा है तो आप उसे साउथ वेस्ट में रख दो। साउथ वेस्ट में? हाँ वहाँ पर रख दो। नहीं तो आप अपने मोबाइल की फ़ोटो खींच कर, या मोबाइल का नंबर नेट से मिल जाएगा आज का, हाँ रियलमी 3 होता है, रियलमी होता है, एप्पल का होता है, उसकी फ़ोटो खींच कर आप साउथ वेस्ट में रख दो तो आपके बच्चे मोबाइल देखना कम कर देंगे। साउथ वेस्ट में रखें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मोबाइल देखना कम कर देंगे, उनका फोकस पढ़ाई की तरफ हो जाएगा। ओके ओके थैंक यू सर। साउथ वेस्ट में रख देते हैं। हाँ तो अपने फोकस कम हो जाएगा सर। साउथ वेस्ट में आप ड्रिंक भी छुड़वा सकते हो आदमी की, साउथ वेस्ट में आप आदमी का नशा भी छुड़वा सकते हो। अच्छा ऐसा होता है सर, कमाल की बात है। क्या क्या नहीं, अपने घर में सारा कुछ है, बाबा तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाबा तांत्रिक का काम क्या है, पैसे दो लूटो जेब में डालो बात खत्म। किया कराया मेरे से काम करने पहले वाले को, ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ अपने घर में ही है। बाबा के पास, किए कराए के पास पता कौन जाता है, जिनका साउथ वेस्ट ओपन हो उनको बाबा तांत्रिक पर विश्वास होता है, अदरवाइज वो टेक्निकल बात करेगा। अच्छा सर, जमीन पर रखने हैं मोबाइल का डब्बे या? जमीन पर, जमीन पर। मैडम चंद्रलेखा मैम आपने क्वेश्चन कोर्स किया है ना, आपको पता है जो भी एनर्जी आती है लैंड से एनर्जी आती है, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ की वॉल पर हम झरना लगा देंगे वो हो जाएगा, सभी काम लैंड की एनर्जी से चलता है। ऐसा नहीं है कि नेम फेम के लिए वहाँ पर जमीन वॉल के ऊपर लगा दो झरने की फ़ोटो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जमीन पे लगाना चाहिए फिर? हाँ जमीन पे रखना चाहिए सर, बिल्कुल जमीन पर रखना चाहिए ना, बिल्कुल जो चीज़ जमीन पर जरूरत है जमीन पर रखो। नहीं जगह तो है साउथ वेस्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बस रखिए, अभी एक मिनट वेट करो, मैं अपने गेट को लॉक लगा कर आता हूँ, घर में अकेला था आज। एक मिनट का समय दी, एक मिनट का बस। ओके ओके सर, आप अब डिस्कशन करिए। विनू मैम, अगर किसी का, विनू मैम, नीरू मैम, विनू मैम अभी इनकी क्लास ली, अभी इनकी क्लास लीजिए एक दो मिनट के लिए, तो अभी एक मिनट में आया मैं, ठीक है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो नीरू मैम से क्लियर करो, आज आपका टेस्ट है। बोलिए मैम। जी सर, क्वेश्चन बताइए आपने।
हेलो सर, आपको आवाज सुन रही है मेरी? हाँ जी सर, क्वेश्चन कीजिए सर। मैम, ये घर का अगर हम लोग सेंटर निकालते हैं, हाँ जी सर, हाँ, तो उसमें हम लोग जो निकालते हैं तो उस हिसाब से नॉर्थ हम लोग चेक करते हैं, वो थोड़ा सा टिल्टेड आता है, तो हम लोग उसको कैसा ये करेंगे? लाइक नॉर्थ को ठीक करना है, एंट्री को? नहीं, एंट्री को ठीक नहीं करना है, नॉर्थ हम लोग कंपास से जब देखते हैं ना, थोड़ा टिल्टेड आता है, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे ना कितना डिग्री से वो डिग्री वाइज देखना पड़ेगा आपको कंपास में, सेंटर देख के, सेंटर में खड़े होकर आपको कंपास को देखना पड़ेगा कि कितनी डिग्री आ रहा है आपका नॉर्थ। ओके ओके, सर नॉर्थ हमेशा टिल्टेड होता है, नॉर्थ हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होगा, कभी स्ट्रेट नहीं होता, और सेंटर जो भ्रम स्थान में खड़े होकर आप चेक कीजिए कंपास। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, आप सभी ने मेरा सहयोग दिया, तो आगे क्लासेस आपने ही लगानी है। हाँ जी, क्यों दूसरा जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? सर सर, मेरे एक फ्रेंड हैं, उनका काफ़ी लॉस हो गया है, उनका ना साउथ वेस्ट में गेट है उनका। तो साउथ वेस्ट अकेला गेट लॉस थोड़ी ना करेगा सर? सर नॉर्थ ईस्ट में उनकी किचन है, साउथ वेस्ट में मेन गेट है, नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम है, नॉर्थ वेस्ट में पानी की मोटर भी है, पानी वाली। तो साउथ ईस्ट में क्या है जो पैसे का लॉस हुआ? सर साउथ ईस्ट में घर के बाहर वाली साइड, घर के अंदर नहीं है, बाहर वाली साइड टॉयलेट है। घर के बाहर किसकी टॉयलेट बन गई सर, वो कैसे हो गया? सर वो गांव में होता है ना कि वो गेट के बाहर बना देते हैं, बाहर से एंट्री है उसकी, घर के अंदर नहीं। आप मेरे को वीडियो, उसको साउथ ईस्ट की टॉयलेट दिक्कत दे रही है। ठीक है सर, लेकिन वो है तो बाहर, लेकिन यूज करते हैं वो मेन तो गेट से बाहर निकलने के बाद उसका गेट आता है। हाँ तो सर यूज तो कर ही रहे हैं ना वो, ऐसा वेस्ट गेट को ठीक नहीं किया जा सकता। गमदूत सर जी ऐसा है सर, मैं इनको सजेशन दूँ एक छोटा सा, अगर आप अलाउ करें। हाँ जी, जी मैडम जी। सर साउथ ईस्ट की इनकी जो बाथरूम है, मतलब टॉयलेट या बाथरूम, बेसिकली तो पानी का यूज होता ही है वहाँ पे, तो एक तो उसका जो फ्लोर है ना 8 इंच ऊंचा करवा दीजिए सर, और दूसरा उसको हमेशा सूखा रखिए, पानी फ्लोर पे कभी पड़ा नहीं होना चाहिए, एक एग्जॉस्ट फैन वहाँ लगवा दीजिए, जब भी टॉयलेट का यूज करें तो वहाँ एग्जॉस्ट चला के रखिए और फ्लोर को सूखा रखिए। अच्छा उससे सुमिता मैडम, मैं यहीं पर काट रहा हूँ आपको, इससे क्या होगा, क्या होगा वो दोष दूर खत्म हो जाएगा? सर कुछ परसेंट कम जरूर हो जाएगा, 100% तो सर नहीं होता, बट अच्छा 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 अच्छा, हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे, वो साफ हो गया वो सर, क्या सर मुझे ना, मुझे ऐसा लगता था कि जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है उनकी वो डाउन है काफ़ी, वो नॉर्थ की तरफ से उल्टी आती है साउथ को वाले, उनकी गली रास्ता साउथ वाले है उनका, इसलिए मुझे लग रहा था शायद अभी साउथ वेस्ट का गेट उनको प्रॉब्लम दे रहा हूँ। सर आप किताबी ज्ञान लेके बैठे हो सुमेधा मैम। सर लॉसेस तो साउथ ईस्ट से ही होंगे ना? साउथ ईस्ट में अब सर आप समझिए, जो उनका मकान बना हुआ है ना, उनके साउथ मेन गेट से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते समय उनका साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, घर से बाहर है। सर मेन बाहर है चाहे अंदर है, पर लॉस तो सर तब भी करेगा ही ना, क्योंकि यूज कर रहे हैं वो लोग। हाँ उनका बेटा बाहर था, उनको कभी भी लॉस हो गया है, 60-70 लाख रुपए का लॉस हो गया। और दूसरी बात सर, 100% रिजल्ट पे देने के विश्वास करते हैं, मतलब मिनिमम नहीं थोड़ा बहुत नहीं होना चाहिए, 100% रिजल्ट होना चाहिए। गमदूत सर जब दोबारा अभी दोबारा क्वेश्चन सुनो सर का, बोलिए दोबारा बोलिए गमदूत सर, मैं आपकी बात सुनता हूँ। साउथ वेस्ट में सर उनका गेट है। ओके
साउथ वेस्ट का गेट के साथ उनके पैसों के साथ कोई रिलेशन नहीं है। नॉर्थ ओके सर प्लीज आगे बोलिए और क्या आपको लगा। और मुझे ये लगा कि उनका जो नॉर्थ वेस्ट है उसमें ना पानी की मोटर लगी हुई है तो सबमर्सिबल मोटर पे उससे क्या होगा उससे बाथरूम भी है वहाँ टॉयलेट नहीं है वहाँ बाथरूम है। अच्छा फिर क्या होगा वहाँ पर तो चंद्रमा है बाथरूम चल जाएगा टॉयलेट ना हो बाथरूम तो चलेगा ही चंद्रमा तो पानी का कार्य क्या वो चलेगा। टॉयलेट नहीं है सर सर टॉयलेट नहीं है सर स्टोर है उसके पास स्टोर और कुछ नहीं है बाकी क्लियर है। आप उसका नॉर्थ वेस्ट को आप उसके नॉर्थ वेस्ट को सेट करो। ओके सर वहाँ से स्टोर हटा दें। हाँ स्टोर को खाली करो ठीक है सर। वो तो उसको मैंने कहा था लेकिन मुझे ऐसा लगा शायद गेट की कोई प्रॉब्लम होगी इसका कोई नो सर गेट का तो उनके रिलेशन के साथ प्रॉब्लम हो गया नॉर्थ वेस्ट का उसकी सपोर्ट के साथ हो गया उसकी कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो फिर उसको कैसे करोगे। आप नॉर्थ वेस्ट को चेक करो उसके स्टोर को खाली करो तब क्लियर हो जाएगा। तो सब अभी थोड़ा सा समेदा मैडम का टाइम लेंगे हम थोड़ी सी क्लास लेंगे बस उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ जी समेदा मैडम। अच्छा साउथ ईस्ट में टॉयलेट बन गई तो क्या एग्जॉस्ट फैन लगाने से वो सही हो जाएगा। सर वो है ना फायर जोन में पानी का अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए इसी पॉइंट को मतलब मैंने समझ के बोला था। क्या कहाँ सीखा आपने कहीं से। हाँ सर सीखा तो हुआ है मैंने से सीखा हुआ है बट ये है कि क्योंकि साउथ की तो सर डायरेक्शंस साउथ ईस्ट भी मनी जोन होता है और वहाँ पर अगर पानी का कोई भी है चाहे टॉयलेट है बाथरूम है या इवन एक नल का भी लगा है कई बार लोग घर के बाहर भी नल का लगवाते हैं तो वो माना जाता है। अच्छा तो मुझे चलो किचन कहाँ पर बनाते हैं किचन कहाँ पर बनाते हैं। किचन सर साउथ में। किचन साउथ में होनी चाहिए किचन साउथ ईस्ट में होती है ना तो वहाँ पर पानी हो तो क्या होता है किचन में पानी की जरूरत नहीं है। सर आजकल तो होता ही है आजकल तो कॉन्सेप्ट नहीं रह गया कि किचन में सिंक ना हो या पानी का अरेंजमेंट ना हो वो तो होता ही है। आपने कैसे सोच लिया कि आज की जो लेडीज हैं जब खाते हैं बर्तन धोकर रख देती हैं रखती है कोई सुबह काम वाली आती है वो धोती है ये सही बात है तो वो ड्राई कैसे रहेगा मेरे को इसकी बात का बस चाहिए बताइए। अच्छा उसको अच्छा उसको उसको एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे वो सही हो जाएगा। ड्राइनेस रहेगी ना तो उतना वो एंटी इफेक्ट्स नहीं दे पाएगा। You are always wrong. मैंने बताया हुआ है अपने जो पेड स्टूडेंट है उनको सारा कुछ बताया हुआ तभी तो उस दिन आप गलत थे किस चीज़ों को लेकर तभी मैंने आपको बोला मैडम क्लासेस को सीखिए तो अभी मेरे पास समय नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे बैचेस काफ़ी थे और उसके बाद 5-4 दिन बाद मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा क्योंकि ग्रुप के मेरे काफ़ी स्टूडेंट थे क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो मान के चलिए 10-12 दिन के बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी दीपावली के बाद। बैचेस बहुत थे मेरे पास 26-27 बैचेस थे उसको मैंने कम किया है। तो अभी आपका क्वेश्चन बोलिए आपको क्लियर करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाऊंगा जिसको बस पैसा नहीं भी उसको भी सिखाता हूँ। अभी तो मैं गमदूर सर जी को पता है मैं इनसे बात भी नहीं कर पाया सभी की पेमेंट भी आई ऐसा नहीं है पर मेरे पास समय ही नहीं निकल पा रहा बात करने का। नीरू मैम हाँ हाँ सर मैं लगाऊंगा। नीरू मैम कुछ आपका क्वेश्चन है सर आपका कोई। नीरू सर सर मेरे हस्बैंड ने कुछ क्वेश्चन करने हैं। हाँ हाँ बोले सुबेदा मैडम एक मिनट की बात अभी एक मिनट कोई बात नहीं बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ मैं काम पे जब करता हूँ ना जी काम पे मेहनत भी बहुत करता हूँ तो जो मालिक है वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि टाइम नहीं मिल पा रहा वहाँ से मालिक अप्रिशिएट अभी मालिक अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। मालिक का नाम आप नॉर्थ वेस्ट में लगा दो नूर मैडम
मैडम को साथ में लिख बुक्स और कॉपी पेन लिखा पकड़ा दो, स्पीकर ऑन है तो बताइए उनको। हाँ जी सर, जी हाँ जी। एक ये है कि ये गए थे, इनको मैंने कहा था कि आप वीडियो बनाकर आपको भेजिए, तो उसका पैसा है तो आप देख के बताएं कि मैडम ने सारा कोर्स कर लिया, एक बार भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की, मैंने इनको बोला है। उसकी वजह से स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता है ना दिमाग में कि आप अपने मालिक का नाम, हाँ जी, अपने एम्प्लॉय का नाम, अपने घर में जिसमें रह रहे हो अमेरिका में, उसको नॉर्थ वेस्ट में सभी का नाम चिपका दो नॉर्थ की वॉल के ऊपर जमीन के। ठीक है मैम, नीरू मैम सुनाई दे रहा है मैम? जी सर मैं सुन रही हूँ। ओके आगे बोलिए क्वेश्चन, आगे बोलिए सर। हाँ जी, उसमें जो जो भी इनकम होती है उसमें खर्चे ज़्यादा हैं, उनकी सेविंग कम है तो। वेस्ट में क्या है मैडम, नीरू मैम वेस्ट में क्या है? यहाँ पर तो वेस्ट में काम पर और घर में। नहीं नहीं नहीं, घर में, घर में काम को नहीं देखोगे आप? यहाँ पे तो किचन है और लिविंग रूम में ओवन और माइक्रोवेव। ओके, किचन में, किचन में क्या है जो सेल्फ का कलर है वो क्या है? वाइट कलर है, व्हाइट कलर है टाइल्स का। हाँ तो यहाँ पर मैंने आपको सारा कोर्स कर लिया, मैंने बोला ना येलो कलर को लगाओ तभी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट, सेविंग आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी, ये पता है ना? मेरे को कैसे पता लगा? मैंने सिखाया नहीं वीनू, मैंने सिखाया नहीं जी सर। तो फिर आपने क्यों नहीं किया? नहीं, मेरी जो किचन है वो साउथ और वेस्ट के बिटवीन में आती है, आपने बोला था येलो पत्थर लगाने, तो मैंने लगाया। आपने मेरे को पिक्चर भेजा, आपने प्रॉब्लम शेयर करी, ये मेरे से भी नहीं करते शेयर, मेरे हस्बैंड। चलो चलो, आज आपका समय आ चुका है, बात कराइए सर, अभी नोट कर लो आप और बताइए सर। बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, जो कस्टमर्स भी हैं वो ज़्यादातर, जैसे कि मैं कार वाश का काम करता हूँ। किस चीज़ का? कार वाश का है, ऑटोमेटिक कार वाश है। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट में क्या है? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में एक तो जो कैनोपी होती है ना, जैसे वो छत होती है जहाँ पे नीचे गाड़ी खड़ी करके उसको सफाई करते हैं, उसमें ऊपर छत पे रेंट लगे सर। घर में, घर में, घर में नॉर्थ वेस्ट में ऊपर मेरे मतलब कि देवर के रूम में सेकंड फ्लोर पर टॉयलेट है, वैसे वो हम यूज नहीं करते बाकी। अभी 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 आप इनका जोन लिख लो, सब में बात करेंगे, ठीक है? अब इनकी बातें सुनते हैं उसके बाद। हाँ जी, मैं इनकी कोर पर, और बताइए सर, और बताइए। और ये है कि जो बेटा है छोटा, वो है 11 इयर्स का, स्टडी में ध्यान नहीं देता, खेलने में ज़्यादा करता है, बस टीवी ज़्यादा देखता है। कोई बात नहीं, अभी मैडम वेस्ट साउथ वेस्ट भी नोट कर लो आप, ठीक है मैम? और सर, और बस काम का ये कि मैं अपना अभी जो मालिक बोलता है कि इसको बेच देंगे तो नेक्स्ट मैं अपना खुद का काम करना चाहता हूँ सर। वो आप कर लेना, टेंशन ना लो, पहले मालिक को सेट करो, लेबर को सेट करो, अपने फेवर में करो काम का, तो जब मर्जी बोलो मैं करवा दूँगा, कोई टेंशन ना लो। आप तो सर पेड क्लासेस वाले हो, जब मर्जी कॉल किया करो, आपको मैंने कभी रोके नहीं, मैं तो पूछता रहता हूँ, पेड क्लासेस वालों के लिए मैं 24 घंटे हरदम बैठा हूँ, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ थैंक यू। ओके ओके, आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। नीरू मैम आप जब मर्जी मैसेज कर लेना, जब मर्जी कॉल कर लेना, सुबह 9 बजे लेकर 6 बजे तक जब मर्जी कॉल करो, अपने लिए तो जरूर करो। हाँ जी सुमेधा मैडम बोलिए, सॉरी मैडम आपका समय ज़्यादा ले लिया आज। कोई बात नहीं, ये भी अपना ही परिवार है, आप भी मेरे अपने परिवार के हो। बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ खोला हुआ, खोला हुआ है, बोलिए। अभी केपी 400 देखता हूँ, बोलिए क्या पूछना। इसी से ही रिगार्डिंग ना जो मैंने आपको भेजा गई। हाँ हाँ, मैरिज के रिगार्डिंग पूछना था, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, अभी देख लेते। अभी आपके पास कुंडली खुली है ना, 44 पेज को खोलो आप। सर मुझे ये ना विंडो नीचे करना पड़ेगा, एक सेकंड। कौन सा सर नंबर बताया आपने?
अपनी कुंडली का 44 पेज खोलिए, केपी चार्ट। हाँ जी सर, खोल लिया जी। शनि, शनि में आ रहा चंद्र, हो सकती है। फॉरेन में भी ट्राई कर रहे हो आप? नहीं सर, अब्रॉड के लिए तो नहीं कर रहे। आपका हस्बैंड के फॉरेन के रिलेटेड किस तरह कोई लव मैरिज सक्सेस रह सकती है? अभी मैं आपको बताऊं कैसे है, अभी देखो, अभी देखो। केपी पद्धति खुली है, केपी चार्ट खोला हुआ है? हाँ जी। तो पांच नंबर राशि देखो, जहां पर लिखा है भाव स्थिति, दिखाई दे रहा है राशि? हाँ जी। वहां पर उसका मालिक है शनि, सब स्वामी। देखो शनि है ना पांच नंबर पे, सब स्वामी शनि है, दिख रहा है आपको? सर मुझे ऐसे पता नहीं चल रहा, आप लगन चार्ट की बात कर रहे हैं जो प्लेसमेंट लगन चार्ट के नहीं, केपी पद्धति 44 पेज पर आपने खोला आपने? हाँ हाँ सर, सामने खोला हुआ है। जी जी जी। हाँ वहाँ पर केपी पद्धति लिखा है ना आपने? हाँ बिल्कुल सर है। वहाँ पर साइड साइड पर जाओ, वहाँ पर फाइव नंबर पर क्या लिखा हुआ है? 263.2147 लिखा हुआ है ना, फाइव नंबर डिग्री लिखा है यहाँ पर। हाँ वहाँ पर सब स्वामी देखो, फाइव नंबर पर क्या लिखा है? हाँ सब स्वामी अपना शनि है, तो शनि नीचे देखो ग्रह स्थिति में क्या है, शनि देखो ग्रह स्थिति में क्या है, वहां पर दिखा रहा है नक्षत्र, वहां पर है चंद्रमा, नीचे जाइए उसी के नीचे। जी ग्रह स्थिति में ही सर देख रहे हैं। हाँ नक्षत्र है ना, चंद्रमा दिखाई दे रहा है आपको? नक्षत्र को देखिए, चंद्रमा दिखाई है ना? हाँ चंद्रमा है, नक्षत्र दिखाई दे रहा है। अभी नीचे आ जाइए और ग्रह कारक तत्व, वहां पर चंद्रमा ने हमें इंडिकेट किया 1, 5, 9 और 12। एक का मतलब खुद की, खुद के लिए, पांच नंबर लव मैरिज, 9 और 12 वो सक्सेसफुल है। ओके ठीक है सर, आप ये भी बता सकते हैं कि वो नौकरी पेशा होंगे कि मतलब बिजनेस प्रोफेशन में? नौकरी पेशे से कौन सा देखते हो, सिक्स हाउस को देखते हो? अभी चेक करो, अभी आपने सेवंथ हाउस को देखना है, पता है आपको? जी। देखो क्या है सेवंथ हाउस का मालिक? शुक्र है, मीन राशि दिखा रहा है। नहीं अच्छा शनि है सर, 11 नंबर लिखा है ना? 7 नंबर का शनि है, शनि के में नक्षत्र क्या दिखा रहा है? चंद्र, तो चंद्र मतलब 9, 12 फॉरेन के रिलेटेड भी हो सकता है, खुद का बिजनेस भी होगा, उसका बाप का बिजनेस होगा, फादर के फादर का बिजनेस वो करता होगा। ठीक है कुछ? हाँ बिल्कुल है मैडम, मैं आपको ये चीज़ देखना भी सिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़े हो ना, मैं कभी किसी को निराश कर कर नहीं लौटाता। ठीक है, अभी क्लियर हो चुका है आपको? फाइव नंबर तो ये तो पता है, लव मैरिज होती है। चलो और किसी का कोई कोशिश, मोस्ट वेलकम, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मेरे को बोलिए। किसी का ज्योतिष और वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए, मेरे पास इतना समय नहीं, मैं इतना समय बार बार नहीं बोल सकता। सर मैं, मेरा एक सवाल है सर। बोलिए। मेरे हस्बैंड का सर सैलरी मतलब करीब 4-5 साल से सर बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब जो सैलरी पहले था वही है सर 5 साल से। नॉर्थ में नहीं देख रहे आप, फिर वही बात आ गया।
क्या देखना पड़ेगा सर? उम्र में अभी क्या बताया, आप इतने देर से जुड़े, अभी तक अभी यही नहीं पता लगा, इतनी फ्री क्लासेस लगाई है अपने मेरी, अभी आपको नॉर्थ में नहीं पता लगा क्या है हमारे, ये तो बात फिर गलत है। इसका मतलब भी मैं आपकी सोल्यूशन का हल नहीं निकाल सकता। आप कंपास में देखो नॉर्थ कहाँ पर है, फिर अभी बोलते हो अभी बोलते हो कि साउथ ईस्ट में हमारा ये है, आपने दुनिया भर के क्वेश्चन पूछ लिए, अभी आपको ये नहीं पता नॉर्थ क्या होता है। सर नॉर्थ का मतलब जैसे कहा कि नॉर्थ को खाली रखो, उसको हल्का करें, तो सर नॉर्थ में बिल्कुल खाली रखा हुआ है सर। क्या है? कुछ भी नहीं है सर, गैलरी है, एंट्रेंस है सर, रास्ता मतलब हमारा नॉर्थ ही हमारा मेन गेट है सर, नॉर्थ में। कलर कौन सा है, क्या है? मैडम ऐसा नहीं है, आप मेरे को फोटो भेजो वीडियो भेजो, देखता हूँ। अभी आपको चार महीने से इतने आप प्रॉब्लम से नहीं निकल सके, फिर तो मेरे लिए गलत बात है। जब अपना अपना भी आप समय खुद खराब कर रहे हो अपना। हाँ ठीक है सर, मैं इसका वीडियो बनाकर आपको भेजती हूँ। हाँ अभी अपने समय ने अभी छः महीने से आप अपना समय मेरे चैनल पर क्यों खराब कर रहे हो? सर मेन गेट लोहे का भी हो सकता है। यस सर लोहे का ही है। तो फिर क्या हुआ, नॉर्थ में लोहा माने नहीं है? अगर इनका बार चार्ट बड़ा हुआ भी नो सर, ये माने नहीं है लोहे का बार चार्ट देखने को पता चला। फिर आपने कैसे कह दिया नो लोहे का भी हो सकता है, गेट गलत है, शनि की वजह से वो ऑब्स्टेकल आते हैं। शनि उसका मित्र नहीं है, नॉर्थ का बुध का मित्र नहीं है, तो फिर सर अड़चन आने की बात है। सर आठ महीने से उन्होंने कापी भर ली लिख लिख कर, तो सर तभी भी नहीं है। और किसी का कोशिश सॉरी और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए, नहीं तो क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करने के लिए बैठे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। सर प्रणाम सर, जो भी हम पिक्चर लगाएंगे हम जमीन के पास पास ही लगाएंगे ना, जमीन के किस चीज़ की पिक्चर लगाना चाहते हो मैडम, मेरे को ये बताओ। जैसे झरना का पिक्चर हुआ क्या, जैसे जो और क्या जो वो सब मैडम लोगों का पैसे कमाने का तरीका है, आपके लोगों के साथ पैसा कमाने का तरीका है, फोटो लगाओ जो मर्जी लगाओ। अगर फोटो लगाने से कोई पैसा आ जाता तो मैं भी लगा लेता अपने घर में डॉलर की फोटो। मैंने लगाया था, आपने जो बोला था फोन का जो डब्बा है वेस्ट साउथ के साइड रखने के लिए, किस चीज का? क्या चीज का? जो बच्चे मोबाइल धरते हैं। हाँ वही मैंने बोला, मैंने फोटो लगाने का तो नहीं बोला ना। अच्छा। हाँ जमीन पर बोला ना मैंने, अभी आप नॉर्थ की बात कर रहे थे कि आपने झरने का फोटो लगाओ, मैंने झरने की फोटो लगाने का कभी किसी को बोला ही नहीं, मैं सारा कोर्स सिखा देता हूँ, मैंने नहीं कभी बोला। नहीं अगर लगाएंगे तो भी जमीन के पास पास लगाएंगे। अब ऊपर लगाओ, ऊपर लगाओ, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आएगा क्या बोलेगा? नहीं वही वो अपने 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 खुशी के लिए लगाना है तो लगाइए, ठीक है ना। हाँ अपनी खुशी के लिए लगाना है तो लगाओ। अगर ऐसी पिक्चर लगाने से पैसे आ जाते तो मैं भी लगा लेता। और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। हेलो सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बोले सर, आप कहाँ से? सर राहुल में बोल रहा, से गया से। सर आपकी आवाज आ रही है, हाँ नहीं बोलिए। सर मैं राहुल बोल रहा गया सर। सर आप अब थोड़ा सा ना पीछे होकर बोलिए, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ बोलिए। ईस्ट फेसिंग घर तो उसका स्लैब सर कैसा रख सकते हैं, ग्रीन कलर रख सकते हैं क्या? हाँ हाँ रखिए रखिए, बढ़िया है सर। पूजा रूम में पूजा का स्लैब ईस्ट के ग्रीन कलर का वहाँ पर पेपर डाल सकते हैं। आरका शर्मा जी आप मेरे से बोलिए, मेरे को मैसेज नहीं समझ आ रहा, वो डिस्प्ले पर जल्दी चले जाते हैं, प्लीज आप मेरे को लाइव बातें करें, बोलिए। सर जो भी स्लैब रहे कि पूजा का जो स्लैब होता है उसको ग्रीन कलर का कलर का पेपर दे सकते हैं?
हाँ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, श्योर। और किसी का भी क्वेश्चन हो? आर का शर्मा जी लोशो ग्रिड के रिगार्डिंग कुछ पूछ रहे थे आप मेरे से, बोलिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन आया तो बोलिए, समय काफ़ी हो चुका है। चलो किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर।